बिहार में इन दिनों शिक्षकों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। एक के बाद एक फरमान से शिक्षकों की रातों की नींद हराम हो गई है। न जाने कब कौन सा फरमान के पाठक जारी कर दे और शिक्षकों की खटिया खड़ी हो जाए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का डर चारों तरफ देखा जा रहा है। के पाठक ने शिक्षकों के नाक में दम कर रखा है। कल तक जो शिक्षक स्कूल को अपना दलान समझ रहे थे, आज वही शिक्षक बिना बैठे पूरे दिन क्लास ले रहे हैं। एक के बाद एक फरमान के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। के पाठक लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा दोनों बदलने की कोशिश में है। शिक्षकों को बच्चों की क्लास लेने के बाद खुद के पाठक की क्लास में हाजिरी लगानी पड़ रही है। कड़क अधिकारी कहे जाने वाले के पाठक के मिजाज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जब बिहार के शिक्षा मंत्री से भिड़ सकते हैं तो फिर वो किसी की क्या ही सुनेंगे। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने निकले पाठक के सख्त फैसले से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। अगर इसी तरह शिक्षा विभाग से फरमान जारी होते रहे तो एक दिन जरूर बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ऐसे में आज हम आपको के पाठक के द्वारा लिए गए 5 कड़े फैसले के बारे में बताएंगे, जिससे निश्चित ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली है। देखा जाए तो IAS के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालते के साथ ही फॉर्म में आ गए हैं। आते के साथ उन्होंने एक के बाद एक लगातार कई फरमान जारी किए। ऐसे में उनका सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा वो स्कूलों के निरीक्षण का रहा। ACS के पाठक खुद ही स्कूलों में अचानक पहुंचकर छापा मार रहे हैं। बिहार में अब हर दिन 23,000 से 25,000 स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है। यहां तक कि खुद के पाठक स्कूलों में अचानक पहुंच जा रहे हैं। के पाठक कब कहां निरीक्षण करने पहुंच जाएं, इसकी जानकारी खुद शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को भी नहीं रहती है। शिक्षकों में डर है कि पता नहीं किस दिन वो आप धमकेंगे और उनकी वाट लग जाएगी। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के कार्यालय भी अपर मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं। सिवान DO कार्यालय जब के पाठक पहुंचे तो कर्मियों को निर्देश दिया कि वो 8 घंटे दफ्तर में नहीं रहें, 4 घंटे निरीक्षण में समय दे और 4 घंटे बच्चों को पढ़ाएं। हाल ही में शिक्षकों ने पटना में आंदोलन किया। इस दौरान के पाठक ने सख्त फरमान जिलों को जारी किया कि उक्त तारीख पर कोई शिक्षक गैर हाजिर मिले तो उन्हें फौरन निलंबित करें। इसके बाद वीडियो देख चुन चुन कर धड़ल्ले से सस्पेंड कर दिया। के पाठक 6,000 अधिक शिक्षकों का वेतन तक रोक चुके हैं। के पाठक के निशाने पर वो शिक्षक भी हैं जो घर में बैठकर सैलरी उठाते हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों की सैलरी काटी जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद नहीं पाए गए हजारों शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की सैलरी काटी जा चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में शिक्षकों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। के पाठक ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जीन्स और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं शिक्षिकाओं को भी चमकीले कपड़े नहीं पहनकर आने का आदेश दिया है। के पाठक के तेवर को देखते हुए अब जिलों में भी पदाधिकारी सख्त दिखने लगे हैं। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जब स्कूलों का औचक निरीक्षण किया तो कई शिक्षक कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाते मिले, जिसके बाद एक फरमान जारी किया गया कि कक्षाओं में अब शिक्षकों के लिए कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे, जिसके बाद सारे कक्षाओं से कुर्सी हटा दी गई और अब शिक्षक खड़े होकर बच्चों की क्लास लेते हैं। वहीं कई शिक्षकों ने उपस्थिति को लेकर चालाकी का रास्ता अपनाया है। वो एडवांस में छुट्टी का आवेदन स्कूल में सौंप कर आते हैं। अगर कोई निरीक्षण करने अचानक पहुंच जाता है तो उनके उक्त आवेदन में तिथि लिखकर पेश कर दिया जाता है। जब वैशाली में विशेष अवकाश पर रही एक शिक्षिका का वेतन के पाठक के द्वारा स्थगित कर दिया गया तो इस कदम से कई शिक्षिकाओं को झटका लगा। वहीं शिक्षा विभाग के कर्मी कहते हैं कि जिनके ऊपर साहब के द्वारा गाज गिरी उसका कल्याण केवल साहब यानी कि के पाठक के ही हाथ में है। इसके साथ ही के पाठक ने अगला आदेश जारी करते हुए सभी शिक्षकों को सिर्फ स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया। सभी शिक्षकों से एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें उन्हें ये शपथ लेनी पड़ेगी कि वो स्कूल के अलावा किसी और कोचिंग संस्थान से जुड़कर नहीं पढ़ाएंगे और ना ही वो अपनी कोचिंग चलाएंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से लेकर शिक्षकों तक में बेचैनी है कि ना जाने शिक्षा विभाग से कब कौन सा फरमान जारी हो जाए और उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। जब के पाठक को शिक्षा विभाग में सरकार ने बुलाया तो यह आभास शिक्षकों को तब ही होने लगा था कि अब अपने तेवर के लिए मशहूर के पाठक यहाँ भी कुछ अलग फैसलों से लापरवाह शिक्षकों के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। शिक्षा मंत्री से आमने सामने होने के बाद भी जब के पाठक पर कोई गाज नहीं गिरी तो ये साफ हो गया था कि अब के पाठक और अधिक सख्ती दिखाते हुए फैसला लेंगे। शिक्षा विभाग में इन दिनों ऐसे कई फरमान जारी हो रहे हैं जिससे शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर शिक्षकों में दहशत साफ देखा जा रहा है। के पाठक कब कहां निरीक्षण करने पहुंच जाएं इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी नहीं रहती है। शिक्षकों में डर है कि पता नहीं किस दिन वो आ धमकेंगे और उनकी वाट लग जाएगी। स्कूल नहीं जाने वाले शिक्षक भी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और स्कूलों में तैनात मिलते हैं।